नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आपको पता है कि 15 मई आ चुका है और WhatsApp की जो प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने की जो डेट थी उसका भी एंड हो गया है। इस साल की शुरुआत में WhatsApp ने अनाउंस किया था कि उन्होंने कुछ नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है और लोगों को बहुत सारे अपडेट्स आ रहे थे और उन्हें रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ा विवाद हो गया और लोगों ने इसके खिलाफ काफी शिकायतें की और ये जो मामला था वही कोर्ट तक चला गया और वहां पर भी इसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसके साथ ही व्हाट्सएप ने पहले कहा कि फरवरी में उनका ये जो लास्ट प्राइवेसी पॉलिसी का डेट है वहां तक उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाद में उन्होंने डेट एक्सटेंड करके इसे 15 मई 2021 तक कर दी थी। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था जो कि आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। और अब 15 मई जब भी जा चुका है तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं कि तो क्या अब व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा, खासकर उनके लिए जिन्होंने अभी तक वो प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि व्हाट्सएप अपने माध्यम से बहुत सारे यूजर्स का डेटा ले रहा है और वो उसे फेसबुक जो कि उसकी पैरेंट कंपनी है उसके साथ साझा कर रहा है, तो लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ा विवाद बन गया था बहुत से देशों में और उसके बाद ये हमारे देश में भी कोर्ट में ये केस गया, अभी तक वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कि अब 15 मई के बाद क्या होने वाला है, अब व्हाट्सएप में उन्हें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा जिन्होंने अभी तक प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली है उनके साथ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो जैसे यूज कर रहे हैं वैसा ही चलता रहेगा। और ये बहुत कम लोग हैं जो जिन्होंने गलती से या फिर बिना कुछ सोचे समझे या स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर ली उसकी प्राइवेसी पॉलिसी। जैसा कि लोग देखते हैं कोई भी अपडेट आता है, कुछ भी आता है, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना पढ़े हुए, तो उस केस में बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन अब वो उसे रिवर्ट नहीं कर सकते, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो वैसे ही चलता रहेगा। ये हो गया एक केस। दूसरा केस ऐसा है बहुत से लोग उसे यूज नहीं करना चाहते और स्विच हो चुके हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर। तीसरे लोग वो आते हैं जो व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं पर वो प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो उनके केस में अब क्या होने वाला है। तो व्हाट्सएप ने यहाँ पे खुद ही जानकारी दी है कि 15 मई के बाद किसी का भी व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट या डिसेबल नहीं होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ना तो डिलीट होगा ना डिसेबल होगा और लोग अपना व्हाट्सएप यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कैच है, जो व्हाट्सएप यूज करेंगे वो कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ यूज होगा। उन्होंने सारी डिटेल दी है जैसे कि बताया कि आपको कॉल आएंगे, आप इसको देख के उसे कॉल बैक कर सकते हैं, आप जो अपनी चैट लिस्ट है उसे एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन आपके पास मैसेज आएंगे उसे टैप करके आप रिप्लाई कर सकते हैं और ये कुछ हफ्तों तक चलेगा ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन एग्जैक्ट डेट कब है कब तक है ये कुछ भी नहीं बताया है। और धीरे धीरे करके आपकी जो फंक्शनैलिटी है व्हाट्सएप में जो ऑप्शंस आपके आते हैं वो कम होते रहेंगे, रिड्यूस होते रहेंगे। व्हाट्सएप ने यहाँ पे ये भी क्लियर किया है कि वो अपनी तरफ से तो कोई भी अकाउंट डिलीट या सस्पेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई 120 दिनों तक व्हाट्सएप को बिल्कुल भी यूज नहीं करता है तो वो अकाउंट अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। और अगर कोई अकाउंट आप खुद ही डिलीट करते हैं व्हाट्सएप का तो उसका तो इस केस में व्हाट्सएप के पास कोई डेटा नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वो आपकी तरफ से डिलीट हुआ माना जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप ने एग्जैक्ट क्या कहा है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये व्हाट्सएप ने बताया कि इफेक्टिव डेट के बाद क्या होने वाला है। व्हाट्सएप ने क्लियर किया है कि नो वन विल हैव देयर अकाउंट डिलीटेड और लूज फंक्शनैलिटी ऑन व्हाट्सएप ऑन मई 15 बिकॉज ऑफ देयर अपडेट। उनके अपडेट के द्वारा कोई भी अकाउंट डिलीट या सस्पेंड नहीं होगा, कोई भी फंक्शनैलिटी भी लूज नहीं होगी। व्हाट्सएप बता रहा है कि कुछ हफ्तों तक उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा है लोगों को, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सा कंफ्यूजन था, उन्हें इसके बारे में क्लियर आइडिया नहीं पता था, क्लियर आइडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत से रिमाइंडर भेजे हैं। तो अभी कह रहा है व्हाट्सएप की व्हाट हैपेंस आफ्टर आई रिसीव अ परसिस्टेंस रिमाइंडर। व्हाट्सएप कह रहा है एट दैट टाइम यू विल एनकाउंटर लिमिटेड फंक्शनैलिटी ऑन व्हाट्सएप अंटिल यू एक्सेप्ट द अपडेट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लिमिटेड फंक्शनैलिटी होगी, उसमें से क्या क्या होगा ये यहाँ पर भी डिटेल दे रखा है। यू वॉन्ट बी एक्सेस योर चैट लिस्ट but you can still answer incoming calls and video calls if you have notification enabled। आपको notification आएगा उसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। After a few week of limitation, कुछ हफ्ते के बाद जो आपकी limited functionality है वो होने के बाद you won't be able to receive incoming calls or notifications। ये जो आपकी limited functionality है ये कुछ हफ्ते तक चलेगी और उसके बाद आपको notifications आने बंद हो जाएंगे और आपके जो message आते हैं calls आते हैं वो भी सारे बंद हो जाएंगे, तो ऐसा बताया गया। लेकिन कब कितने दिन बाद कुछ वीक लिखा है इसमें, कोई डेट नहीं दी गई है। और इसमें अभी क्या लिखा है कि आप अभी भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं आपकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी अभी तक आपने अगर एक्सेप्ट नहीं करी है तो। और यहाँ पे इस तरह से आपका कुछ कॉल्स आएंगे ये आप बता रहा है, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन एनेबल है आपको ये मिस कॉल का ऑप्शन आएगा और इस पे आप आराम से रिवर्स कॉल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ डिटेल जो व्हाट्सएप की तरफ से आई है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं व्हाट्सएप ने कोर्ट में ये कहा है कि वो किसी भी यूजर को फोर्स नहीं कर रहा है कि वो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करे। अगर यूजर्स अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहते हैं और व्हाट्सएप यूज नहीं करना चाहते हैं तो वो ना यूज करें, वो उनका प्लेटफॉर्म छोड़ के जा सकते हैं। व्हाट्सएप ने दोस्तों ऐसा साफ साफ कह दिया है
तो इससे आप जानते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाट्सएप आप इसमें कुछ चेंजेस करने वाला नहीं है, चाहे उसके ऊपर कितना भी प्रेशर जा चुका है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि व्हाट्सएप कुछ चेंजेस नहीं करने वाला है और उसने बोल भी दिया है कि वो किसी को फोर्स भी नहीं करेगा, आप चाहे दूसरा प्लेटफॉर्म छोड़ के जा सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको व्हाट्सएप यूज करना है या दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूव करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।